कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने में शर्म आ रही है। भले ही नेता दौरे पर दौरे कर रहे हों, लेकिन अब तो पीएम भी आएंगे, शाह भी आएंगे, वो पार्टी के पक्ष में तो बोलेंगे ही, लेकिन जिसको वो मुख्यमंत्री बनाने आए हैं उसके बारे में उन्हें बोलने में क्यों शर्मा रही है। दरअसल अभी हाल ही में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान बीजेपी की ओर कड़ा रुख अपनाया। आइए जानते हैं कमलनाथ ने और क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं रिद्धि, आप देख रहे हैं प्रदेश तक। कमलनाथ ने शिवराज सरकार द्वारा लिए गए कर्ज के बारे में कहा कि सरकार कर्ज लेती है सिर्फ बड़े बड़े ठेके देने के लिए और अपना कमीशन बढ़ाने के लिए। पीसी चीफ ने आगे कहा कि शिवराज सिंह को मेरे नाम से पेट में दर्द क्यों होता है। साथ ही उन्होंने पहली लिस्ट को लेकर एक बड़ा बयान दिया, जिसको देखकर अब ये लग रहा है कि कांग्रेस की पहली लिस्ट अब जल्द ही आ सकती है, क्योंकि कमलनाथ ने इशारा करते हुए बताया है कि कितने हजार दावेदार हैं, साथ ही उनमें से किसको टिकट मिलेगा। 4000 लोगों ने दावेदारी करी है, उससे ज्यादा। इनमें से एक नहीं कहता मैं हारने वाला हूँ, सब कहते हम जीतने वाले, पर क्या ये अपना वार्ड जीतता है, अपना गाँव जीतता है, ये प्रश्न है। और चुनाव मैं समझता हूँ। कमलनाथ ने इंदौर में हुई घटना पर सफाई देते हुए कहा कि मातंग समाज की बैठक थी, ये समाज गरीब है, जिसमें शामिल होने के लिए पूरे प्रदेश भर से लोग आए थे, 15 पत्रकार सामने आकर खड़े हो गए थे। मैंने उससे हाथ जोड़कर कहा कि इन लोगों का कार्यक्रम खराब मत कीजिए, साइड में हो जाइए। उनमें से दो लोग आगे आकर कहते हैं कि हम नहीं हटेंगे। तब मैंने कहा कि आप मुझे धमकी दे रहे हैं, आप नहीं हटे तो मैं हटवाता हूँ। कमलनाथ आगे कहते हैं कि अगर पत्रकार अनुशासन में ना रहें और परेशानी पैदा करें तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मातंग समाज की बैठक थी, सबसे गरीब समाज है, पूरे प्रदेश से जिले जिले से लोग आए थे, ये पत्रकार 15 आके सामने खड़े हुए, जैसे आप बैठे हैं, उनकी सीट भी वैसी थी। ये मैंने उनके हाथ जोड़े, मैंने कहा आप ये इनका कार्यक्रम है, इनका कार्यक्रम अड़चन मत पैदा करिएगा, तो आप जितना वैसे मैं खड़ा जाता हूँ, जब आपका पेट भर जाए मेरे से तो आप शिफ्ट हो जाइएगा, पर इनका प्रोग्राम आप खराब मत करिए। ये बेचारे गरीब लोग हर जिले से आए, करीब 15-16 लोग थे, इनमें दो कहते हैं हम तो हटेंगे नहीं। मैंने कहा मुझे धमकी दे रहे हैं, साफ बात है, रिकॉर्ड की बात है, मैंने कहा मुझे धमकी दे रहे हैं, बोला हम नहीं हटेंगे। मैंने कहा ठीक है तो मैं आपको हटवाऊंगा, कौन सा गलत किया? अगर पत्रकारी अनुशासन में ना रहे, जिनका कार्यक्रम है उसको खराब करना चाहिए तो मैं उसे बर्दाश्त कर लूं, पूरे जिले से आए, पूरे प्रदेश से आए वो। फिलहाल तो इस वार्ता में कमलनाथ का सबसे बड़ा तंज बीजेपी को लेकर था, जब उन्होंने कहा कि बीजेपी को शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित करने में शर्म आ रही है। कांग्रेस की ओर से ऐसा इसलिए और कहा जा रहा है क्योंकि जन आशीर्वाद यात्रा की रैलियों में सिर्फ पीएम मोदी के बैनर और पोस्टर नजर आ रहे हैं और इसी को देखते हुए कांग्रेस को बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया और अपने आसपास की ताजा तरीन वीडियो को देखने के लिए प्रदेश तक को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। साथ ही ऐसी ताजा अपडेट के लिए प्रदेश तक .com पर विजिट करें।